नैक्सट है अपना फिनोल्स पार्ट टू। ये आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करा एसिडिक करैक्टर करा जो कि आना कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल्स रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप के ठीक है। वो सब तो पहला है अपने को फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अपन पता मेल्टिंग पॉइंट बॉयलिंग पॉइंट ठीक है सॉलिबिलिटी इदा फिजिकल स्टेट की है वो सारिया प्रॉपर्टीज़ आ जाए फिजिकल। सब तो पहला तो फिजिकल स्टेट जिहड़े फिनोल्स ने यह जो प्योर फॉर्म के होंगे ने तो यह कलरलैस लिक्विड्स होंगे ने ठीक है। जो प्योर फॉर्म के होंगे ने सब तो पहला तो लिक्विड्स होंगे कलरलैस होंगे ठीक है। उस तो बाद इन्हों ना मान लो जो अपनी बोतल खुली रहेगी ठीक है जिदा फिनोल वाली बोतल खुली रहेगी तो की होगा पहली चीज़ तो वह जम जूगा ठीक है। दूसरी चीज़ वो कलर आ जूगा कोई पीला या कुछ भी मतलब फिक्का जहा कलर आ जाता हों गा ठीक है। चाहे पीला आ जाए चाहे फिरोजी जहाँ फिक्का जहा आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए वो जिदा की भी वो इंप्योरिटी ऐड होगी तो वो ऑक्सीडेशन होगी उस तरीके का वह कलर जोड़ा है वो बन जाऊ ज़्यादातर ये पीला कलर आना हों ठीक है। क्योंकि एटमोसफेरिक ऑक्सीजन नाल यदि जी है ऑक्सीडेशन हो जाती है तो वह मतलब पेल येलो ज जोड़ा कलर है उदा का कलर जोड़ा है वो शो करता। उस तो बाद जे उस तो बिना कोई होर ग्रुप जिमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है ठीक है। नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रो ग्रुप की पछाण होंगी है भी जे कोई मॉलीक्यूल नाइट्रो ग्रुप हो मॉलिक जो किसी भी कंपाउंड जो नाइट्रो ग्रुप है तो उस कंपाउंड का जोड़ा रंग होगा वह पीला रंग होगा ये चीज़ ये नाइट्रो ग्रुप की पछाण होंगी है ठीक है। तो जिते भी नाइट्रो ग्रुप आ गया वो कंपाउंड है जोड़ा वह येलो कलर का होगा ठीक है। इस तरह ही होर भी बहुत सारे ग्रुप्स होंगे ने ठीक है जिमें डाइज होंगे ने जिमें डाय जिदा आप कह लो डाई डाइजो डाइज हो जाए ने जड़िया ठीक है। वह रेडिश ऑरेंज इदा के कलर्स आदि ने डिपेंड करता भी कि ग्रुप उन्होंने नाल होर लग्या होया ठीक है। ग्रुप पर डिपेंड करता कलर है जोड़ा। नैक्सट है अपने को बॉयलिंग पॉइंट। हुण क्योंकि फिनोल दे विच ओ एच ग्रुप प्रेजेंट ठीक है तो क्योंकि ओ एच ग्रुप है जोड़ा ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतने पॉसीबल है ऑक्सीजन इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट है ठीक है। तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसीबल है तो यह इतने देखोगे जो तुम तो एसोसीएटड फॉर्म के रेंदे ने ठीक है। ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच एक ओ दूसरे की एच नाल एक एच दूसरे की ओ नाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है तो यह जुड़ के रेंदे ने सारे मॉलिक्यूल्स क्योंकि जो जुड़ के रेंदे ने ठीक है। तो इन्हों का जो बॉयलिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू कंपेयरेबल हाइड्रोकार्बनस से इन्हों का बॉयलिंग पॉइंट जोड़ा हाई हों जिमें फॉर एग्जाम्पल बॉयलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल इज 455 कैलविन तो जे बेंजीन का देखते हैं आप 353 हों मतलब 100 कैलविन का फर्क पै जाता सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे करके। एक ऑक्सीजन ही वाधू आई है बेंजीन की होंगे C6H6 तो फिनोल की होंगे C6H5OH एक ऑक्सीजन का ही फर्क पिया ठीक है। तो 100 डिग्री जोड़ा है वह टैंपरेचर वह राइज कर गया बॉयलिंग पॉइंट। नैक्सट है अपने को सोलबिलिटी। हम जी सोलबिलिटी है सोलबिलिटी की होंगी है भी जो किसी भी आप सोलवेंट के पाइए तो वह सोलवेंट के मॉलीक्यूल्स उस कंपाउंड के मॉलीक्यूल्स के नाल बॉन्डिंग कर लैन जे तो बॉन्डिंग हो जाती है ठीक है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है या वंडरवाल्स बॉन्डिंग जी इंट्रैक्शन ने हो जाए ने ठीक है। तो वह डिजोल्व हो जूगा उस जे नहीं होंगी बॉन्डिंग तो डिजोल्व नहीं होंगे ठीक है। हुण क्योंकि फिनोल है जोड़ा ये देखो ध्यान दे बेंजीन दे नाल ओ एच लग्या हो ठीक है। तो ओ एच का पोलर हो गया ग्रुप जोड़ा बेंजीन रिंग है बेंजीन जी ये कार्बन के हाइड्रोजनस ने ठीक है। तो यह हाईली नॉन पोलर है। हुण अगली गल जी है बेंजीन दे विच 6 कार्बनस होंगे ने एक ऑक्सीजन है ठीक है। ऑक्सीजन दे नाल एच लग्या हो तो आ ग्रुप जोड़ा है ओ एच ग्रुप दैट इज़ वेरी वेरी समॉल एज कंपेयर टू 6 कार्बन आइटम्स रिंग ठीक है। 6 कार्बन आइटम की रिंग दे कंपेरेटिवली जिहड़ा ग्रुप है ओ एच ग्रुप बहुत ज़्यादा समॉल है ठीक है। तो क्योंकि छोटा पोलर जिहड़ा ग्रुप है वह छोटा है नॉन पोलर ग्रुप है जिहड़ा उहदा साइज वड्डा है ठीक है। तो की होगा अपने कोल इत्थे इहदी जिहड़ी सोलुबिलिटी है वह डिक्रीज कर जूगी वाटर दे विच घट जूगी ठीक है। डिजोल्व घट होगा वाटर दे विच या कह लो भी डिजोल्व ही नहीं होगा वाटर दे विच जे होगा तो बहुत ज़्यादा घट डिजोल्व होगा ठीक है। क्यों क्योंकि इहदी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाउंदी वाटर दे नाल क्योंकि इहदा जिहड़ा नॉन पोलर नॉन पोलर ग्रुप है जिहड़ा वह बल्की ग्रुप है ठीक है एज़ कंपेयर टू पोलर ग्रुप दे
ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी तो घट होगी, तो थोड़ा जहा ही डिजोल्व होंगे फिनोल है जेड़ा, ज़्यादातर फिनोल जेड़े है ने वो डिजोल्व नहीं होंगे। ठीक है, नैक्सट है अपने को इंट्रामोलीकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम इंट्रामोलीकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होंगी आपको पता भी यह जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जी इको मालीक्यूल के दो पार्ट्स के हो, एक मॉलिक्यूल दे दो अलग अलग पार्ट्स होने उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जी तो इंट्रा। ठीक है, जे दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स दे सेम पार्ट दे विच इंटर बॉन्डिंग होंगी है तो वह इंटर मॉलिक्यूल, इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल्स दे विच, इंट्रा मतलब एक मॉलिक्यूल दे अंदर। ठीक है, तो हुण जिहड़ी इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है वह फिनोल्स दे विच किद्दां हो सकती है, जे फिनोलिक ग्रुप दे नाल नाल मतलब ओ एच ग्रुप दे नाल नाल कोई होर ग्रुप भी प्रेजेंट है जिद्दां एनओ टू ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो उत्थे की होगा एनओ टू ग्रुप की ऑक्सीजन है जी ओ एच ग्रुप की हाइड्रोजन के नाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लूगी। जो तो इदा की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो ये ओ एच ग्रुप भी बेंजीन रिंग का पार्ट है, एनओ टू ग्रुप भी बेंजीन रिंग का पार्ट है। ठीक है, मतलब नाइट्रोफिनोल के दोनों जेडे बेंजीन के सबसीट्यूएंट ने आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे ने। ठीक है, हुण देखो इतने आप क्या फाइव या सिक्स मैंबर रिंग बनूगी, एक दो तीन चार पाँच छे सिक्स मैंबर रिंग बनती है, तो यह बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगी, इनू कहते हैं किलेशन, शायद तुम्हें बारहवीं के पढ़िया होगा या ऑर्गेनो ऑर्गेनोमेटैलिक नहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के पढ़ोंगे इन्हों। ठीक है, उत्थे जाके ये चीज़ सूँ ज़्यादा डिटेल आऊगी, किलेशन कहते हैं तो इतने किलेट रिंग बनती है। ठीक है, एक कहते फाइव तो सिक्स मैंबर रिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे ने, तो ईजीली टुटदियाँ भी नहीं है, तो इंट्रामोलीकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जी वो फिनोल्स के नाइट्रोफिनोल्स के होर कितने पॉसिबल है, जिमें क्लोरो फ्लोरोफिनोल्स। ठीक है, फ्लोरोफिनोल्स क्लोरीन का साइज क्योंकि व्डा होंगे तो वो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी जी है वह घट हो जाती है, तो फ्लोरोफिनोल्स या फिर डाइहाइड्रोक्सीफिनोल कह लो आप। ठीक है, मतलब डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन सॉरी डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, जिथे बेंजीन के उपर दो ओ एच ग्रुप्स लगे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, इंट्रामोलीक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उस तो बाद आ जाती ने कैमिकल प्रॉपर्टीज़ फिनोल दी, हम कैमिकल प्रॉपर्टीज़ के होगा यह जी रिएक्शंस फिनोल दी रिएक्शंस करा आप। ठीक है, हम जो फिनोल्स रिएक्शंस ने एल्कोहल दी रिएक्शंस वगू उन्होंने तीन पार्ट्स के डिवाइड किया गया, पहली जी रिएक्शन है वह हैगी रिएक्शंस इनवॉल्विंग द फिनोलिक ग्रुप, मतलब जिदे विच ओ एच ग्रुप ही सिर्फ चेंज हुंदा या फिर ओ एच ग्रुप दे विच कोई चेंज आउंदी है या फिर ओ एच ग्रुप है जिहड़ा वह कंप्लीटली लै जाता रिंग के उपर, या किसी भी तरीके का चेंज जिहड़ा हुंदा वह बेंजीन रिंग के उपर कोई चेंज नहीं हुंदा, सिर्फ ओ एच ग्रुप दे विच चेंज हुंदा, इह जिहियां रिएक्शनस ने। ठीक है, इन्हां रिएक्शनस दे विच दूसरियां जिहड़ियां रिएक्शनस ने वह बेंजीन रिंग दीयां रिएक्शनस ने। ठीक है, तीसरियां रिएक्शनस ने जिहड़ियां जिहदे विच सारे दा सारा मॉलिक्यूल जिहड़ा है वह इनवॉल्व हुंदा फिनोल दा। ठीक है, वो रिएक्शनस ने तीसरिया। हुण इहनां दे विच सब तो पहले आप करांगे रिएक्शनस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप दी रिएक्शनस दे विच जिहड़ी पहली चीज़ आ जाती है अपने कोल है एसिडिक करैक्टर। ठीक है, इस वीडियो दे विच आपां सिर्फ एसिडिक करैक्टर ही करांगे। ठीक है, एसिडिक करैक्टर दे विच की आ जाता अपने कोल, सब तो पहली चीज़ जिहड़ी फिनोल्स ने जिहड़े वह बहुत ज़्यादा एसिड्स हैगे ने। ठीक है, पर बहुत ज़्यादा वीक एसिड्स ने, यह इत्थों तक कि यह जिहड़े इन्ने के ज़्यादा वीक ने यह। ठीक है, कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड्स ते कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड होंदा जदों वाटर दे विच सीओ टू मिला दिए आपां तां एच टू सी ओ थ्री बनता। ठीक है, कार्बोनिक एसिड होंदा एच टू ओ सी ओ टू। ठीक है, आ लिखा हुआ है दिस इज़ कार्बोनिक एसिड एच टू ओ प्लस सी ओ टू, ये जिहड़ा जदों आपां मिला दिंदे आ ना इहनूं आपां एच टू सी ओ थ्री बन जांदा, इहनूं आपां कहिंदे आ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड है जिहड़ा अपनी जदों जदों आपां साह लैंदे आ ना, जिवें साह दे विच आपां ओ टू लैके जाने आप लंग्स के ओ टू जाती है, उत्थे ब्लड दे विचों जिवें हीमोग्लोबिन है जिहड़ा उहदे नाल ओ टू बाइंड हो जाती है। ठीक है, सैल्स दे विच जाके ओ टू दी सी ओ टू बन जाती है, हीमोग्लोबिन वापस लिया के लंग्स दे विच सी ओ टू दे दिंदा, ते ओ जिहड़ी सी ओ टू है वह वाटर दे नाल मिल के कार्बोनिक एसिड बना के वापस नक ताईं आउंदी है, उस तो बाद वाटर जिहड़ा वापस चला जाता कार्बन डाइऑक्साइड है जिहड़ी वह बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस तरीके मतलब ये कार्बोनिक एसिड है जिहड़ा अपनी बॉडी दे विच पा जाता, तो उस चीज़ नालों भी जिहड़े है ये वीक एसिड्स ने फिनोल्स ने जिहड़े। ठीक है, हुण उस तो बाद एक्वस एलकली दे नाल ये मिल जाते हैं, एक्वस मतलब पानी दे विच पाई हुई, एलकली की हुंदा जिहदे विच ओ एच ग्रुप होवे। ठीक है, बेसिक चीज़ होनी चाहिए जिवें आपां एन ओ एच ले लैंदे आपां
एनओ एच जो आप एक्स लैने मतलब पानी के डिजोल्व करके एनओ एच लैने आप ठीक है उस टाइम पर की होगा जो फिनोल दे विच पा देने उन्होंने तो फिनोक्साइड आयन बन जाता ठीक है जोड़ा ये आयन बनया इस आप करांगे फिनोक्साइड सोडियम लग्या हो तो सोडियम फिनोक्साइड ठीक है पोटाशियम होता तो पोटाशियम फिनोक्साइड जोड़ा भी नाल साल्ट है सॉरी जोड़ा भी नाल कैटायन है उस चीज़ आप लिख देंगे सोडियम है तो सोडियम पोटाशियम तो पोटाशियम इतने सोडियम है तो सोडियम फिनोक्साइड ठीक है फिनोल से एनओ एच नाल अटैक्ट करवाया जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाल तो सोडियम फिनोक्साइड बन गया तो वाटर ठीक है मतलब कहने का भाव की है इतों एच ने लूज करती एच लूज करके सोडियम के नाल इंट्रैक्शन आयनिक इंट्रैक्शन होगी तो कोवलेंट बॉन्ड इन्हें तोड़ता एच नालों एच जिहड़ा है वो एच नाल मिल के वाटर बनाता उन्हें ठीक है तो होल रिएक्शन है जी आप एलकोस दे विच की करते होंगे सके मैटल नाल रिएक्ट करा देंगे सके मैटल उत्थे जाके ओ दे नाल लग जाती सी एच जिहड़ा है आप वन बाय टू एच टू लिख के बाहर कढ़ देंगे चाहे उदा कर लो ठीक है यह क्योंकि डायरैक्टली मैटल्स नाल ईजीली यह जिहड़ा है मतलब रिएक्शन शो नहीं करता ठीक है या कह लो इदा भी एडिशन रिएक्शन या कोई होर रिएक्शन शो कर दिता करके इतने आप मैटल्स नू यूज़ करके नहीं देख सकते इतने आप जो देखा किमें देखा आप एन ओ एच नाल एक्सलकली ठीक है उस तो या फिर सिंपल वाटर नाल भी देख सकते हैं आप उस तो बाद हम आपको पता भी हाँ फिनोल्स ने जोड़े वेरी वीक एसिड्स ने कार्बोनिक एसिड नालों भी वीक ने तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स नालों भी वीक ने ठीक है हुण ये किवें आपां नूं पता लग्या ये जिहड़ा है पी के ए वैल्यूज़ जिहड़ियां है उन्हां तों कन्फर्म होया हुण पी के ए तुहानूं पता होना चाहिए भी पी के ए है की आ जिहड़ा पी के ए है पी के ए दे विच की आ जांदा अपने कोल पी के ए दे विच इत्थे है जिहड़ा अपने कोल जिवें पी के ए दैट इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए के ए की होंगे जिमें मान लो अपने को एच एक्स कोई एसिड है वो डिसोशिएट होया एच पॉजिटिव एक्स नैगेटिव दे विच तो इस रिएक्शन का जिहड़ा इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट है उसनों आप कहांगे के ए ठीक है तो उस इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट का लॉग लैके जो मूहरे माइनस ला दें जिमें तुसी पी एच पढ़िया होगा ठीक है पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव ठीक है मतलब माइनस लॉग जी भी चीज़ का ले लें उसनों आप पी दे नाल इंटरचेंज करके पी एच लिख सकते हैं जिवें माइनस लॉग एच पॉजिटिव पी एच हो गया माइनस लॉग के ए हो गया पी के ए ठीक है तो हुण इत्थे देखो जिन्नी छेती एसिड टुटूगा ठीक है उन्नी के ए दी वैल्यू ज़्यादा होगी ठीक है उन्ना ही ज़्यादा के ए होगा हुण लॉग है जिहड़ा उल्टा कर देना होंदा वध चीज़ नूं घट कर देंदा घट चीज़ नूं वध कर देंदा ठीक है हुण जिन्नी के एसिड जिन्ना ज़्यादा छेती टुटूगा ठीक है उन्ना ही स्ट्रोंग एसिड होगा तो उन्नी के ए ज़्यादा होगी मतलब स्ट्रोंग एसिड के वास्ते के ए की वैल्यू वध होगी वीक एसिड के वास्ते के ए की वैल्यू घट होगी ठीक है हुण लॉग दे विच जे आपां वध वैल्यू पुट करांगे तो यह घट कर दूगा मतलब जे के ए ज़्यादा है तो पी के ए है जिहड़ी उह घटूगी ठीक है जे के ए घट है तो पी के ए है जिहड़ी उह वध आऊगी ठीक है तो यही चीज़ है जिहड़ी आपां देखणी है भी हुण जिहड़ी पी के ए है ठीक है जे आपां के ए देखदे आ तो के ए जे पी के ए देखते हैं तो पी के ए हम जी पी के ए है वह ये जड़िया वैल्यूज़ ने वैसे ये के ए वैल्यूज दिखाई हुई ने ठीक है ये पी के ए नहीं है ये के ए वैल्यूज़ ने ठीक है जो इन्हों का लॉग ले लेंगे उस टाइम तो यह कि आजगा माइनस दस ये माइन दस पाँच तो सत्त ठीक है फिर यह इंटरचेंज हो जाएंगे आह क्योंकि टेन इस टू आवर माइनस टेन कि हो गया 0.000009 फिर वन ठीक है हूँ आह कि हो गया 0.40 फिर एक फिर आह 0.00 मतलब 0.60 फिर एक ठीक है हाँ सब तो वध है आ उस तो घट है सब तो घट है ठीक है जो ये आप लॉग ले लेंगे तो यह आजगा दस ये आजू पाँच ये आजगा सत्त ठीक है फिर आह सब तो वध हो गया हुण आ सब तो वध है फिर आ सब तो वध हो जूगा ये सब तो घट है हुण ठीक है तो ए पी के ए ते के ए जिहड़े हैगे ने ओह उल्टे ने एक दूसरे नालों ठीक है तो हुण के ए वैल्यूज़ ने जिहड़ियां फिनोल दियां ओह इन्नियां ने के ए वैल्यूज़ ने जिहड़ियां कार्बोक्सिलिक एसिड दियां इन्नियां ने ते कार्बोनिक एसिड दियां इन्नियां ने ठीक है ते कार्बोक्सिलिक एसिड इन्हां तिन्नां दे विचों सब तो ज़्यादा एसिडिक ने फिर कार्बोनिक एसिड फिर फिनोल्स आ जांदे ने ठीक है हुण उस तो बाद की है अपने को फिनोल्स जोड़े इन्हों का घट ने ठीक है पर एलकोहल्स के नालों ज़्यादा एसिडिक ने हुण एलकोहल्स नालों स्ट्रोंग एसिड्स किवें ने यह चीज़ देखने दे लिए आपां नूं रेजोनेंस देखनी पेगी फिनोल्स ठीक है हुण
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਓ ਐਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਨੋਲ ਆ ਚਾਹੇ ਐਲਕੋਹਲ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਨੋਲਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਨੋਲ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ, H3O ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਓ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, H3O ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੋਊਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਐਲਕੋਹਲਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਫਿਨੋਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਥੇ ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਐਲਕੋਹਲ, ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ H3O ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਰ ਆ ਬਸ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਫਿਨੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਜ਼ੀਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਨੋਲਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਨੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਫਿਨੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਬੋਂਡ ਓ ਐਚ, ਉਹਦੇ ਬਣ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬੋਂਡ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਇੱਥੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇਸ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਡਬਲ ਬੋਂਡ ਓ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਲੋਨ ਪੇਅਰ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਦਿਸ ਡਬਲ ਬੋਂਡ ਓ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੋਨ ਪੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਡਬਲ ਬੋਂਡ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਓ ਐਚ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ ਦੋ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਬੋਂਡ ਆ ਗਏ ਬੈਨਜ਼ੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੋਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਤਿੰਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਂਡ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਮਤਲਬ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਤਿੰਨ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਤਿੰਨ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਚਾਰਜ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰਲੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਪੇਅਰ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਨੋਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਡਬਲ ਬੋਂਡ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦੋ ਬੋਂਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਬੋਂਡ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਬੋਂਡ ਓ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬੋਂਡ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬੋਂਡ, ਸੋਰੀ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੋਂਡ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਆ ਇੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਦਿਸ ਦਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਬਲ ਬੋਂਡ ਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਪਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਓ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ,
ठीक है, इतने इलैक्ट्रॉन आ तीन पोजिशन से, इतने इलैक्ट्रॉन दूसरिया तीन पोजिशन से हो गए, इतने भी एक नैगेटिव चार्ज ही है। ठीक है, हुण जो इन तिना देखोगे इन तिना भी सिर्फ एक एक पोजिशन से नैगेटिव चार्ज है, मतलब जो पंजां आप कंपेयर करांगे तो एक नैगेटिव चार्ज सारे है, तो उन्होंने आप जो ओवरऑल देखिए तो इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, उस तो बाद कोई भी चार्ज सैपरेशन नहीं हुई, एक नैगेटिव इतने से, एक ही इतने, एक ही इतने, एक ही इतने, एक ही इतने, उ घूमी जा रहा। ठीक है, पर जो तुम देखोगे इतने कोई चार्ज सैपरेशन नहीं सी, इतने दो चार्ज बन गए, इतने दो ने, इतने दो ने, इतने भी कोई चार्ज सैपरेशन नहीं हैगी। ठीक है, तो ये पहले तो आखिरी तो चार्ज है नहीं गा, विचलियां तो चार्ज आता तो आह अनस्टेबल करता, इतने पहले तो आखिरी तो जोड़ा चार्ज आ उही विचलियां आ, वादू चार्ज कोई भी नहीं आया, चार्ज खत्म भी नहीं होया, तो इन्हों के स्टेबिलिटी होर भी ज़्यादा उपजेगी। ठीक है, एक ही चार्ज में आप पांच स्ट्रक्चर बना के स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी स्टेबिलिटी होर भी ज़्यादा वधगी, इतने जी स्टेबिलिटी घट सी, तो हुण इस रिएक्शन दे विच इहदी स्टेबिलिटी वध है, इहदी स्टेबिलिटी घट है, तो यह रिएक्शन की होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन दे विच जाऊगी, मतलब फिनोल जिहड़ा है आपका एच पॉजिटिव ईजीली लूज कर दूगा, तो फिनोक्साइड आयन बना दूगा, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये घट स्टेबल है, तो यह की करूगा एच पॉजिटिव लूज कर दू, वध स्टेबल बन जूगा। ठीक है, एच पॉजिटिव वाटर गेन कर लूगा, एच सी ओ पॉजिटिव बन जूगा, तो यही रिएक्शन है यदि जी वह एसिडिक करैक्टर जी है शो कर दी, आही चीज़ मैं इतने लिखी हुई है सारी। ठीक है, पर हुण जो आप देखते हैं अल्कोहल दे विच, जो एच पॉजिटिव वाटर लै जाता, ठीक है, तो अल्कोक्साइड आयन बन जाता, हुण जिहड़ा इहदा आ नैगेटिव चार्ज है, इहनू आर ग्रुप है जिहड़ा वह स्टेबलाइज नहीं कर सकता रेजोनेंस दे नाल। ठीक है, तो जिहड़ी चीज़ फिनोल दे विच हुंदी आ वह अल्कोहल दे विच नहीं हुंदी, तो अल्कोहल दे विच क्योंकि स्टेबलाइजेशन नहीं हुंदी अल्कोक्साइड आयन की, तो इन्हां दी जिहड़ी तो इस रिएक्शन नूं होण लई भी टाइम लगेगा। ठीक है, आ रिएक्शन हो भी फास्ट जाऊगी, जो आ रिएक्शन फास्ट हो जूगी तो आह स्ट्रोंग एसिड्स होणगे, जे इहनूं टाइम लगेगा तो यह हौली लूज करेगा तो यह वीक एसिड है। ठीक है, तो एस कंपेयर जो आप अल्कोहल से फिनोल नूं कंपेयर करते हैं तो अल्कोहल से घट एसिडिक ने, फिनोल से ज़्यादा एसिडिक ने। ठीक है, जो दोनों कंपेयर करते हैं आपस के, पर जो फिनोल्स नूं आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाल ते कार्बोनिक एसिड नाल कंपेयर करते हैं, उत्थे कार्बोक्सिलिक एसिड के विच रेजोनेंस हो जाती है। ठीक है, या कह लो भी उहदा के ए वैल्यू है जिहड़ी उहदी उह बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू फिनोल्स दे। ठीक है, तो नहीं होंगी वह चीज़ वो। ठीक है, तो फिनोल जोड़ा है वह घट एसिडिक रह जाता एज़ कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, उस तो बाद है अपने को इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। हुण ये तो चीज़ सी सिंपल फिनोल तो सिंपल एल्कोहल, हुण जे फिनोल दे विच ओ एच ग्रुप दे नाल कोई होर भी चीज़ प्रेजेंट है, बेंजीन लिंक के उपर ओ एच ग्रुप तो है ही हैगा, उहदे नाल कोई होर ग्रुप भी लग्या होया। ठीक है, तो उहदी एसिडिटी ते दुबारा फिर फर्क पै इफेक्ट पऊगा। ठीक है, हुण ओह की इफेक्ट पऊगा उहदी एसिडिटी दे, वह आपां देखदे हां। हुण दो तरह के ग्रुप लग सकते हैं आपां नूं पता, एक इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप EWG, एक इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG। ठीक है, हुण तुसीं इत्थे ध्यान दिओ, जे इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इत्थे नैगेटिव चार्ज है। ठीक है, सब तो पहली चीज़ आपां जनरली गल करदे हां, इत्थे नैगेटिव चार्ज है। ठीक है, हुण इस टेबल कदों होगा जो ये नैगेटिव चार्ज इतों खत्म हो जाए। ठीक है, मतलब आप चार्ज बिल्कुल ही हटा दिए इतों, किसी भी तरीके चार्ज जिहड़ा रिंग दे उपरों या ऑक्सीजन दे उपरों चलिया जाए तो उस चीज़ नाल ये स्टेबल हो जूगा। ठीक है, पहली चीज़। हुण जे कोई ऐसा जिहा ग्रुप है जिहड़ा इस चार्ज नूं खत्म कर देंदा, आपदे विच समा लेंदा, ठीक है, मतलब खिंच लैंदा रिंग तो बाहर खिंच लैंदा गा, ठीक है, आपदे विच लै जांदा, तां उह जिहड़ा ग्रुप है इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जिदा कह लिए आपां इलैक्ट्रॉन विदड्रॉ की करदा हुंदा, इलैक्ट्रॉन्स आपदे वाली खिंच लैंदा, रिंग तो खिंच लूगा इलैक्ट्रॉन्स, रिंग कितों खिंचूगी ऑक्सीजन तो। ठीक है, तो ओवरऑल जो देखिए ऑक्सीजन तो यह ग्रुप जिहड़ा इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है इलैक्ट्रॉन्स खिंच लूगा, जो इलैक्ट्रॉन्स खिंच लिया ऑक्सीजन तो नैगेटिव चार्ज खत्म हो गया तो यह स्टेबल हो गया। ठीक है, तो जो इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स ने वह ऑक्सीजन तो इलैक्ट्रॉन्स विदड्रॉ करके बेंजीनिंग तो बेंजीनिंग अगर फरदर ऑक्सीजन तो कर दिए तो इनडायरैक्टली या डायरैक्टली कह लो ऑक्सीजन तो विदड्रॉ जो इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जो कर लेंदा इलैक्ट्रॉन्स उस टाइम पर फिनोक्साइड आयन है जोड़ा वह स्टेबल हो जाता, जो स्टेबल हो जूगा तो वह होर भी छेती फिनोल है जोड़ा वो एच पॉजिटिव लूज करेगा। ठीक है, तो जदों फिनोल दे विच इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लग्या होया तो उहदी एसिडिटी है जिहड़ी वह इनक्रीज़ होगी।
ठीक है। इस तो उल्ट जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग्या होया था उहदे विच की आ ऑक्सीजन दे पहले ही नैगेटिव चार्ज पिया, आ ग्रुप है जिहड़ा इह होर नैगेटिव चार्ज दई जा रहा रिंग नूं, ठीक है। जदों नैगेटिव चार्ज होर इलेक्ट्रॉन्स दई जा रहा है रिंग नूं तां सारे सारे इलेक्ट्रॉन जाके ऑक्सीजन दे इकट्ठे हो जाणगे, ऑक्सीजन दे पहले ही नैगेटिव चार्ज पिया ते नैगेटिव एंड नैगेटिव रिपेल करनगे एक दूसरे नूं, जदों रिपल्शन होगी तां अनस्टेबिलिटी आ जूगी, ठीक है। तब बेंजीन रिंग है जिहड़ी फिनोक्साइड आयन दी उह अनस्टेबल हो जूगी, अनस्टेबल हो जूगी तां या इदा कह लो भी जिहड़ा जे आपां आ रिएक्शन देखिए जे इत्थे इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग्या होया तां ऑक्सीजन नूं दई जाऊगा इलैक्ट्रॉन, ठीक है। जदों ऑक्सीजन नूं इधरों इलैक्ट्रॉन मिली जाणगे तां एच वाले इलैक्ट्रॉन उह नहीं खिचूगा आपदे वल्ली, ठीक है, तां एच उह नहीं लूज़ करूगा। तां जदों इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग्या होया बेंजीन रिंग दे नाल फिनोल दी बेंजीन रिंग दे नाल उह जिहड़ा है फिनोल दी जिहड़ी एसिडिटी है उहनूं डिक्रीज़ करूगा, जे इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है तां इनक्रीज़ करूगा, जे इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तां डिक्रीज़ करूगा। यही चीज़ आप पढ़नी सी, ठीक है। हुण इत्थे ध्यान नाल जो देखोगे तो आ ऑर्थो आ मैटा आ पैरा तिने पोजिशन होंदिया ने, ठीक है, पर यह जिहड़ा है ये बॉन्ड दे विच दी जा रहा, इतों एरो शुरू हुंदा एरो इदा जा रहा, इहदा की मतलब है ये आपां उस थां ते जिहड़ी रिप्रजेंटेशन लिखते होंने बाहर आ रहा मतलब इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। ਅਜਿਹਾ ਤੀਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਔਰਥੋਮੈਟਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲ ਦੀ ਐਰੋ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਐਰੋ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਤਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦੇ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ 2 ਚੀਜ਼ ਸਾਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਰੋਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਿੰਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਔਰਥੋਮੈਟਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਔਰਥੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਮੈਟਾ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਪੈਰਾ 2 ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਫੈਕਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਪਹਿਲਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਉਨਾ ਘਟੀ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗਾ ਗਰੁੱਪ, ਜਿੰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਊਗਾ ਉਨਾ ਘੱਟ ਇਫੈਕਟ ਪਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਰਥੋ 'ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਥੋ 'ਤੇ ਸੀ ਐੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੀ ਐੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਥੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ 2 ਕਾਰਬਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਟਾ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਔਰਥੋ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਔਰਡਰ ਹੈ ਔਰਥੋਮੈਟਾ ਪੈਰਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾ ਮੈਟਾ ਔਰਥੋ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਔਰਡਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰਡਰਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਟੋਪਿਕ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ, ਹੁਣ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਐਕਟੀਵੇਟਿੰਗ ਇੱਕ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟਿੰਗ। ਐਕਟੀਵੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰਥੋ ਦੇ ਮੈਟਾਪੋਜੀਸ਼ ਆਰਥੋ ਦੇ ਪੈਰਾਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਟਾਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਆਰਥੋ ਪੈਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ ਮੈਟਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥੋ ਮੈਟਾ ਜਾਂ ਮੈਟਾ ਪੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਆਰਥੋ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਟਾ ਅਲੱਗ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਉਣਗੇ, ਆਰਥੋ ਅਲੱਗ, ਮੈਟਾ ਅਲੱਗ, ਪੈਰਾ ਅਲੱਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਰਥੋ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਥੋ ਮੈਟਾ ਜਾਂ ਮੈਟਾ ਪੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥੋ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰਥੋ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਥੋ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਨਾਈਟਰੋ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥੋ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਜੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਓ, ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਆਹ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ, ਆ ਇੱਥੇ, ਐਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਓ, ਆਹ ਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਡਬਲ 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 ਬੌਂਡ ਓ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਚੌਥਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦਿਸ ਦਿਸ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ, ਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਐਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਓ, ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਤਾਂ ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੋਂ ਬੌਂਡ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬੌਂਡ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮੈਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹੀ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਰਥੋ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਰਥੋ ਪੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਿਸ ਵਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਔਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਡਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਔਰਥੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਾਮੋਲੀਕੂਲਰ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਔਰਥੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਰੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਔਰਥੋ, ਫਿਰ ਮੈਟਾ, ਫਿਰ ਫਿਨੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਓਵਰ